के प्रवक्ता हैं। तो फाइनली इंडिया अलायंस का पार्ट आप हैं, क्या किन किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच सहमति बनी है, क्या आप बताएंगे? नहीं बिल्कुल ब्रजेश जी, मुझे लगता है इंडिया परिवार लगातार ताकतवर हो रहा है, लगातार एकता बढ़ रही है और नई नई चीजें निकल के आ रही, नई नई रणनीति पर काम हो रहा है कि कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है। और आप देखिए कि इंडिया परिवार की तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, जब ये इंडिया परिवार बेंगलुरु में बैठा तो दिल्ली में मोदी जी बैठक ले रहे थे, इस बार जब बैठा तो अब विशेष सत्र लेकर के आ गए। कोई बुराई नहीं है विशेष सत्र, मुझे लगता है कि हीरो वाजपेयी जी भी जानते होंगे कि कम से कम आप सांसदों को तो बताएंगे कि आपने इमरजेंसी में क्यों सत्र बुला लिया, और वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई उसी दिन कोई बताएंगे। चलिए आपने इनसे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं, तो ये तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह के अलावा लोकसभा के जो स्पीकर है उनको नहीं मालूम होगा कि क्यों बुलाया जा रहा है, किसी अधिकारी को नहीं मालूम होगा, किसी मिनिस्टर को नहीं मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को नहीं मालूम होगा, उनके गठबंधन के किसी नेता को नहीं मालूम होगा कि आखिर ये क्यों बुलाया जा रहा है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू होता है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ सब चुनाव करा लिए जाएं? आपके लिए तो ठीक ही है, आप यहाँ विपक्ष में बैठे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपको तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि ऐसा हो। नहीं, हम इस बात से सहमत है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, एक साथ चुनाव हो जाए, लेकिन क्या देश तैयार है? क्या उससे पहले देश के संविधान पे संशोधन नहीं करना पड़ेगा? भाई कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में बहुमत आ गया और मान लीजिए कि देश के किसी राज्य में बहुमत ना आया तो क्या 5 साल चुनाव नहीं होगा? तो ये भी तो हो सकता है। उस स्थिति में कौन सरकार चलाएगा कि 2026 तक लोकसभा के चुनाव टाल दिए जाएं और फिर 26 में एक साथ पूरे देश में चुनाव हो जाए? देखिए हाँ, अब आप असली मुद्दे पर आए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती और लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तेलंगाना का चुनाव नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये सारे के सारे राज्य हार रहे हैं और हारने के बाद जब लोकसभा में जाएंगे। सवाल साजन से मैंने किया, चौंक गए हूं मैं शंकर पांडे। तो आप सोचिए कि ये क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं जी। और मैं फिर बात कर रहा हूं, जो विधिक है कि आप जब तक संशोधन नहीं करेंगे, ब्रजेश जी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश हम ले लें, एक साथ चुनाव हो जाए, उत्तर प्रदेश में बहुमत ना मिले, तो क्या उस 5 साल में बीच में चुनाव होगा या 5 साल फिर अधिकारी सरकार चलाएंगे या कौन सरकार? सर कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत ही क्रिटिकल होगा क्योंकि भी निर्णय संसद करेगी तो जब तक असेंबलीज उसको पास नहीं कर देंगी, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों पर कोई कानून जो बनेगा वो पूरी तरह से संवैधानिक होगा, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोड़ा गया मुद्दा है, क्योंकि ये इंडिया परिवार के गठबंधन से डरे हैं, उनके मुद्दों से डरे हैं, ये किसी पर बिचारे नहीं बोल पा रहे हैं, महंगाई पर नहीं बोल पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सरकार 2 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा ले और कहे 26 में एक साथ चुनाव कराएंगे तो आपको आपत्ति है? नहीं, प्रधानमंत्री जी क्यों बढ़ा लेंगे अपना कार्यकाल? भाई देश की जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और कह दीजिए कि हम 2 साल बाद चुनाव कराएंगे, क्या ये तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे, ये केवल भाग रहे हैं किसी तरीके से, ये चाहते हैं जो आपने ओपनिंग में कहा कि किसी भी स्थिति में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, देश बर्बाद हो जाए, देश का किसान बर्बाद हो जाए, रोजगार मिले ना मिले, बहन बेटियां सुरक्षित रहे ना रहे, कितनी नफरत फैल जाए, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे या चाइना कब्जा कर ले। सर, जब जनता उनको मैंडेट दे रही, कुर्सी पे बिठा रही है, तो आप हाथ पकड़ के उनको उतारना क्यों चाहते हो? नहीं, हम तो खींच के उतारेंगे। क्यों खींच के उतारोगे भाई? पब्लिक ने मैंडेट दिया है। अगर आप उसके खिलाफ काम करेंगे, अगर आप संविधान की शपथ लेते हैं कि हम सबको एक नजर से देखेंगे, आप मुसलमान को नफरत वाली राजनीति में डालेंगे, पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन लेंगे, आप महिलाओं के खिलाफ अन्याय करने वालों को जेल से छोड़ देंगे, बलात्कारियों को आप स्वागत करेंगे। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया।